नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है तो सभी अच्छे होंगे। अभी मैं हूँ अलवर में। ये आपके आपके पीछे ये जो दिख रहे हो आपको, ये है सिलीसीड लेक। 8.5 किलोमीटर। हाँ, और ये अलवर से करीबन 13-14 किलोमीटर पड़ती है। तो मैं अलवर आया हूँ आपको करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाने के लिए। करण अर्जुन फिल्म में एक गाना है ममता कुलकर्णी और सलमान खान का, आपने सुना हो तो, एक मुंडा मेरी उम्र दा। तो उसकी जो शूटिंग हुई है उसके कुछ सीन है इसी झील के इर्द गिर्द फिल्माए गए हैं। इसमें एक बीच में एक टापू भी पड़ता है, उस पर फिल्माए गए हैं। और यहाँ की एंट्री टिकट 100 रुपये है, जिसमें आप एक कॉम्प्लीमेंट्री चाय या कॉफ़ी ले सकते हो। तो अपनी एंट्री करा कर आ चुके हैं और जा रहे हैं। वो दिखाते हैं किस तरह से नज़ारे हैं यहाँ के, और स्क्रीन शॉट दिखाते हैं कैसे मूवी में लिए गए हैं सीन। तो अभी यार यहाँ से काफ़ी दूर है एंट्री कराने के बाद भी। पीछे से कुछ इसका नज़ारा है लेक का, काफ़ी बड़ी लेक है यार, काफ़ी खूबसूरत भी है। आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो हम अंदर आ चुके हैं, उधर से हमने एंट्री ली है। और अरे महाराज जी, और आ गए यार यहाँ। तो ये देखिए झील का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत यहाँ से आ रहा है, और ऊपर से भी काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। ऊपर भी चलेंगे लेकिन मैं नीचे से आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ। और जो आपको वो बीच में टापू सा दिख रहा है, उस पर जो है गाने के सीन फिल्माए गए हैं, वो भी मैं आपको ऊपर से दिखाऊँगा थोड़े चलकर। तो दोस्तों ये देखिए, उधर से हम एंट्री लेकर आए थे, और काफ़ी बड़ी झील है। भाई बता रहे हैं कि करीबन 8 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और देखिए काफ़ी यहाँ से खूबसूरत इसका नज़ारा आ रहा है। और इधर से दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरह से जो फिल्म में स्क्रीनशॉट लिए गए हैं। ये देखिए दोस्तों, इधर से देखिए क्या नज़ारा है। और हवा भी यार काफ़ी अच्छी चल रही है। तो इस बीच में ये वाला टापू बना हुआ है, आप देखिए इस पर जो ममता कुलकर्णी और सलमान खान डांस करते हैं, तो इसी पर जो सीन फिल्माए गए हैं। कई तरीके से उसमें एंगल लिए गए हैं, एक तो इसी तरह से कुछ वहाँ पे पेड़ भी हुआ करता था उस समय पर। तो फिल्म को आए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं आपको पता है, तो वहाँ पे अभी पेड़ नहीं है, और गार्डन भी हुआ करता था। और वो जो सीन था वो कुछ बारिशों का था, ये देखिए उसमें इस तरह से भी मैच हो रहा है। और कुछ सीन ऐसे करके भी लिए गए हैं उसमें, यहाँ से आप देखिए यहाँ का नज़ारा। और पूरा जो मतलब इसी टापू पर फिल्माया गया लगभग उसके सीन, देखिए पहाड़ों का जो नज़ारा है उसमें भी थोड़ा हरा भरा दिखता है। मतलब कि वो जो लोकेशन थी उस समय की, जब बारिशों का सीज़न था उसकी थी, लेकिन अभी भी यार कम खूबसूरती नहीं है। एक सीन कुछ इस तरह से यहाँ का भी लिया गया है, ये जो पहाड़ देखते हैं इसमें जो घर नहीं है ऐसा लिया गया है इधर से। चलो वाइड एंगल में दिखा देता हूँ ऐसे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा पूरा सीन, पता नहीं यार किस एंगल से लिया गया है, लेकिन वो यहीं का है। इसमें ये वाले पहाड़ दिखते हैं, और कुछ में ये वाले भी दिखते हैं। तो ये देखिए पूरा सीन उसी टापू पर लिए गए हैं, और शायद नीचे से भी दिखा सकता हूँ आपको मैं। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है भाई वाइड एंगल में, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पूरा यहाँ का नज़ारा। ये देखिए दोस्तों वाइड एंगल में क्या नज़ारा है यार यहाँ से, काफ़ी बड़ी लेक है। और अभी नीचे चलते हैं और नीचे से आपको दिखाते हैं नीचे से कुछ और ही लगे, क्योंकि ऊपर का व्यू तो आपने देख लिया है। ऊपर का व्यू मैं भी पहले देखना चाहता था, लेकिन नीचे का भी देखते हैं यार, मेरा मन हो रहा है, नीचे चलते हैं पहले। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री में जो कुछ था उसमें हमने एक कोल्ड ड्रिंक ली है स्प्राइट वाली, देखिए 20 रुपये की है, अब 80 रुपये का टिकट मान लो आप। ये देखिए नज़ारे के साथ भाई क्या क्या बात है, ख़त्म करते हैं अभी इसे। ये आप नोटिस वगैरह पढ़ लीजिए पूरा, नीचे चलते हैं अभी, नीचे भी देखते हैं यार कैसा नज़ारा है। नो स्मोकिंग जोन, ये देखिए भाई क्या व्यू है यार यहाँ से, क्या बात है भाई, व्यू देखिए यार। जो टॉप पे व्यू आता है वो नीचे नहीं आएगा मुझे ऐसा लग रहा है। चल नीचे देखते हैं, नीचे भी की भी कुछ अलग ही खूबसूरती होगी। नीचे जा रहा वापस, नहीं मैं अंदर चल जाए ना के हो सर, बोर्डिंग कर रहा है नीचे आ चुके हैं। यहाँ से देखिए व्यू काफ़ी कमाल का आ रहा है, ये देखिए यार। मैं सोच रहा था नीचे से व्यू नहीं आएगा अच्छा, लेकिन क्या व्यू है यार,
नीचे से व्यू देखिए। और भाई नीचे वगैरह देख के चलो यार, कहीं गिर जाओ व्यू के चक्कर में। देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है यार, वो दिखा देता हूँ नीचे का व्यू भी बैक कैमरे से। दोस्तों जो कुछ सीन लिए गए थे मूवी के वो मैंने आपको सभी यहाँ पर दिखा दिए, लगभग इतने सीन शूट किए गए थे, बाकी के सीन भानगढ़ वगैरह में और भानगढ़ के इर्द गिर्द शूट किए गए थे। और ये यहाँ का कुछ नज़ारा है। तो दोस्तों फिर वीडियो काफ़ी छोटी है, मुझे पता है इतनी लंबी नहीं है, लेकिन लगभग इतने ही सीन शूट हुए थे और शाम भी हो चुकी है, तो लगभग इतना ही इस वीडियो में हम कवर कर पाए आज। फिर दोस्तों इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।